हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज डोमिनार लेके आया हूँ मैं एसके पे एंड वी गोना डू अ फुल सर्विस। ऑलमोस्ट लास्ट एक साल से गाड़ी सर्विस नहीं हुई है एंड ऑयल चेंज लास्ट वाज डन आई थिंक एट 11,000 किलोमीटर्स। राइट नाउ इट इज़ डन 18,000 किलोमीटर्स। तो TIL का ऑयल डाला था लास्ट टाइम, तो वो चेक करेंगे ड्रेन करके कि क्या सिचुएशन है। आई थिंक एंड ऑयल चेंज करके 1-1.5 साल के ज़्यादा ही ऊपर हो गया है। सो आई थॉट आई विल बेटर गेट इट चेंज्ड एंड नॉट कंटिन्यू विद दैट ऑयल। वैसे तो वो ऑयल 10,000 तक आराम से चलना चाहिए था एज पर मैन्युफैक्चरर क्लेम, बट सिंस टाइम वाइज आई हैव एक्सीडेड इट अ लॉट, आई डिडंट वांट टू टेक चांसेस। तो वो है, और कुछ और चीज़ें हैं जो चेंज करनी है वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा। सुशांत ऑल्सो टू यू नो अरेंज फॉर दिस ऑयल रिजर्वर ऑयल विंडो। तो ये कुछ है 45 रुपीज़ का, अप्रॉक्सीमेटली 46 रुपीज़ का। ये चेंज कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, कि उसको मतलब साइड का क्लच कवर खोलना है डायरेक्ट हो जाएगा वो चेक करना है। एंड दिस इज 109 रुपीज़ का टॉप कवर एंड रिंग। वाई दिस आई बॉर्डर्ड एंड वॉट इज इट? तो ये है अपना टैंक कवर, इसके रबर्स जो है वो ख़राब हो गए हैं एंड लॉट ऑफ स्क्रैचेज ओवर हियर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। तो ये स्क्रीन भी निकाल के चेंज करेंगे। एंड ऑयल दैट आई एम गोइंग टू यूज इज कैस्ट्रोल पावर वन। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने अनबॉक्सिंग दिखाया था इस कैस्ट्रॉल के गिफ्ट पैक का। मैंने एक रील में कॉन्टेस्ट में एक मैंने ये सब जीता था एज अ प्राइज मनी, एज अ प्राइज प्रोडक्ट। सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस ऑयल एंड ऑल्सो वी गोइंग टू बी एडिंग पॉलीट्रॉन 90 ml टू इट, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऑयल डज नॉट हैव एनी एडिशनल यू नो एडिटिव्स लाइक TIL और लाइक अवर टर्बो प्रोटेक। एंड ये ऑयल घर पे पड़ा हुआ था इसलिए आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस, अदरवाइज आई वॉज गोइंग टू प्लान एंड यूज टर्बो प्रोटेक्ट 10W50 विच हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड एडिटिव्स इन इट। ऑफ द एयर फिल्टर, इट्स नॉट डस्टी ऑफ चोक बट देयर इज लॉट ऑफ दिस राइट हैंड साइड यू कैन सी इट इज लॉट ऑफ ब्लैक, सो लॉट ऑफ डस्ट इज अकोमोडेटेड। इसको पानी से स्प्रे कर लेंगे एंड ओवरऑल दिस हैज़ बीन क्वाइट क्लीन, आई डोंट सी इट इज मच डस्टेड। सो हियर इज द कंडीशन इन साइड, इट इज नॉट दैट डस्टी बट यस इट इज। बॉडी इज कमिंग आउट, ऐसे कुछ इश्यू नहीं था बट वी जस्ट चेकिंग इट बिकॉज ये 6-7 साल में कभी नो 2019 से कभी टोटल बॉडी खुला ही नहीं है। सो ये कुछ है कंडीशन टोटल बॉडी का। आई थिंक दिस इज द इंटेक साइड, विच इज द इंटेक साइड सुशांत को दिखाते हैं, ही विल एक्सप्लेन अस। बॉडी डिसमेंटल हो गया है। ये अपना पेट्रोल का पाइप है, ये अपना इंजेक्टर है, ये स्टेपर मोटर है। ये सब एक्चुअली 30,000 पे ओपन होता है बट मेरा इतने सालों से खुला ही नहीं है, इसलिए थॉट कि खुलवा के चेक करवा लेते हैं। सो सुशांत ने बोला ये इतना डस्ट वगैरह अंदर, इतना कार्बन वगैरह तो इज नॉर्मल, क्लीन हो रहा है पूरा सब कुछ। एंड थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग का ऑब्वियसली लेबर अलग रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपीज़ सुशांत भाई के पास। एंड खोलना है इसको यू नो लाइक एट 30,000 किलोमीटर्स, अनलेस या फिर कुछ स्पेशल इशू है, स्टार्टिंग ट्रबल है, ऐसा कुछ अलग चीज़ है, तो वो डायग्नोस करते करते थ्रॉटल बॉडी तक आते हैं। जब तक थ्रॉटल बॉडी हो रहा है तब तक मैंने एयर फिल्टर क्लीन कर लिया। कुछ नहीं, नॉर्मल सोप लिया, जो बाइक वॉश करने के लिए सोप होता है, माइल्ड सोप। इसको बॉटल एक बकेट में लेके एजिटेट करके इसको सब गंदगी निकाल ली इसकी। एंड देन उसके बाद माइल्ड प्रेशर वॉश है, नज़दीक से नहीं लेना है, दूर से प्रेशर वॉश करके सब निकाल के उसके बाद एयर मार दिया। अब ये ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है, थोड़ा सा अभी भी वेट है तो थोड़ी देर इसको रखेंगे एंड फिर लगा देंगे। ऑयल थ्रॉटल बॉडी भी पूरी क्लीन हो गई है एंड अब वापस अंदर जा रही है। थ्रॉटल बॉडी इज कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड, पूरा सेट हो गया है। एक्सीलेटर केबल भी वो गोइंग टू चेंज बट वही रहने दिया क्योंकि ओवरऑल अच्छी थी। ये रबर क्लीन कर दिया, रबर इंस्टॉल हो रहा है। भाई स्पार्क प्लग भी एक बार चेक कर लेना, इरिडियम है लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड साइड बाय साइड पीछे का ब्रेक ओवरऑल हो रहा है,
हेलो बोलो। हेलो, हाय। तो ये एसके की स्पेशल टीम है जो हमारी गाड़ी फिक्स कर रही है। प्लग इट्स क्वाइट क्लीन, वैसे कुछ साफ करने लायक है नहीं इसमें। ऊपर ऊपर से बस थोड़ा सा उसको ब्रश से क्लीन कर लेंगे। पेट्रोल फिल्टर भी चेंज कर रहे हैं बिकॉज बाद में वापस कब टैंक खुलेगी पता नहीं है। सो पुटिंग अ ब्रांड न्यू वन, ये पता नहीं कब का है कितना पुराना है, तो नया डाल देना ही अच्छा रहेगा। रेयर ब्रेक पैड्स अप्रॉक्सीमेटली 1000-2000 किलोमीटर और चलने चाहिए, जिंदा है अब तक 18,000 किलोमीटर्स पे। इस समय 400 में वॉशर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ सिर्फ नट। एयर फिल्टर बैठ गया, फ्यूल फिल्टर बैठ गया, अभी टैंक बैटरी है, और इधर मेन ऑयल, फ्रंट ब्रेक्स ओवरऑल हो रहे हैं। ये भी जिंदा है क्या? फ्रंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्रंट। ऊपर पे मेजर ग्रीसिंग वगैरह कुछ नहीं रहता, सिर्फ रिमूव दी डिस्क एंड रिमूव दी पैड्स, क्लीन देम एंड पुट इट बैक। इंजन फायर हो चुका है आफ्टर ऑल दी चेंजेस एंड ऑलमोस्ट सेकेंड स्टार्ट में फटक करके स्टार्ट हो गई, आइडलिंग पे भी रुक गई है। सो ऑल वर्क डन इज करेक्ट एंड गुड। रेयर ब्रेक लीवर का बोल्ट जो नीचे का दिस थिंग इज देयर, ब्रेक लीवर ये है ना, बार बार लूज होके फॉल्स ऑफ इफ देर इज नो ग्रीस ऑन इट, गिर जाता है वो, ग्रीस नहीं रहेगा, सूखा रहेगा तो। बिकॉज वो जब आप ब्रेक ऑपरेट करते हैं तब वो बोल्ट खुलते जाता है हर बार। तो एवरी सर्विस और एटलीस्ट एवरी 5-6,000 किलोमीटर्स उसको निकाल के ल्यूब करना चाहिए, नहीं तो कभी इशू हो जाएगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पुणे में बहुत लोगों को इश्यूज आते थे, तो उसके बाद सुशांत ने एसके पे एटलीस्ट स्टार्टेड रिमूविंग ऑल दी दैट लीवर फॉर एवरीवन एंड स्टार्टेड ल्यूबिंग इट एवरी टाइम, ग्रीस करके वापस लगा देना है उसको। ऑयल फिल्टर वगैरह सब बाहर निकल रहा है एंड ऑयल भी निकल, डेंजर कंडीशन निकला है अंदर ऑयल फिल्टर का एंड स्टेनर का एंड ऑयल का, एज इफ ऑयल रस्ट पकड़ लिया है पूरा। ऑयल का लुब्रिकेटिंग पावर तो काफ़ी अच्छा है, इट इज स्टिल लुब्रिकेटिंग, बट देयर सम डर्ट काइंड ऑफ स्टफ इनसाइड इट। क्या है वो चीज़ समझ नहीं पड़ रहा है। सुशांत भाई को दिखाते हैं थोड़ी देर में। ये देखो ऐसे क्या डेंजर निकल रहा है। जैसे ये 1.5 लीटर के आसपास ही है ना, ज़्यादा नहीं है ना, तो एटलीस्ट पानी या कूलेंट मिक्स नहीं है। बिकॉज कूलेंट मैंने टॉपअप भी नहीं किया है, ऑलमोस्ट 1 साल से टच नहीं किया कूलेंट को। कूलेंट का कंडीशन क्या है देखो, कूलेंट अभी भी ऊपर ही है, कूलेंट यूज़ नहीं हो रहा है मेरा। कंडीशन ऑफ दी स्टेनर, नाउ वी हैव चेंज प्लान, आई एम नॉट डायरेक्टली एडिंग न्यू ऑयल। सुशांत्स बॉय हैज गॉन टू गेट इंजन फ्लश। ये आगे वाला बोल्ट भी ड्रेन कर दिया है एंड विल पुट सम मिनरल ऑयल इन इट राइट नाउ, रन इट फॉर 5-10 मिनट्स विद द फ्लश। वी आर यूजिंग द ओल्ड ऑयल फिल्टर, मतलब ये वाला नहीं, सुशांत भाई के पास कोई और ऑयल फिल्टर था जो काफ़ी ठीक था एंड फ्लश के लिए काम आ जाएगा, तो वो यूज़ करके स्ट्रेनर क्लीन करके सब वापस लगा देंगे। एक बार फ्लश करेंगे एंड उसके बाद फ्रेश कैस्ट्रोल का ऑयल डालेंगे उसमें। खर्चा थोड़ा बढ़ गया है बट इम्पॉर्टेंट है ये। जब तक फ्लश आ जाए वी आर डिसमेंटलिंग दिस सेकेंडरी स्पीडोमीटर एंड विल चेंज दी बटन्स। बटन्स इन द सेंस ये आगे का पूरा ग्लास जो है वो पूरा आता है एंड बजाज गिव्स लॉट ऑफ पार्ट्स अलॉन्ग विद दी स्टॉक दिस थिंग। इसके जो वॉशर नट बोल्ट नो सेफ्टी रिंग वगैरह जो भी है सब साथ में आ जाता है। लेकिन बटन्स बैक साइड से एंड ये नया वाला ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन। ऑयल फ्लश हैज कम और स्ट्रेनर अभी साफ कर रहे हैं दोनों भी पेट्रोल से एंड ये लगा देंगे एंड देन विल पुट मिनरल ऑयल इनसाइड 10W30
दिस इज जस्ट फॉर इंजन फ्लश, सो चल जाता है, बट डोंट रन योर बाइक्स ऑन टेंडरली 30. फ्लश डाल रहे हैं एंड 100 ml डाला है इन 1500 ml ऑफ मिनरल ऑयल. स्टार्टेड द इंजन आफ्टर एडिंग द ऑयल एंड फ्लश एंड विल लेट इट रन फॉर 2 cycles ऑफ रेडिएटर फैन टर्निंग ऑन. 2 बार रेडिएटर का फैन ऑन हो जाएगा तब तक के लिए रन करेंगे. तो अभी ऊपर एस कैन कम्युनिकेशन फेलियर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि इसका जो सॉकेट है ये कनेक्टेड नहीं था. अभी कनेक्ट कर दिया है एंड चले जाना चाहिए एरर. सो दिस इज़ द ऑयल आफ्टर ड्रेन. सिर्फ इसका कलर ब्लैक हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली अंदर वो पुराना ऑयल काला रहेगा. ये डालते समय गोल्डन येलो था एंड अदरवाइज इसमें और कुछ गंदगी नहीं निकली है. इवन स्ट्रेनर पे बाकी और कुछ गंदगी एक्स्ट्रा निकला नहीं है. स्ट्रेनर भी वापस फिर से पेट्रोल में वॉश करके वापस हमने लगा दिया. ऑफ कोर्स ये ऑयल आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते जो ड्रेन निकला है बिकॉज इसमें फ्लश डाला हुआ है. अगर आप ये किसी इंजन में डालेंगे उस इंजन की वाट लग जाएगी. यू हैव टू थ्रो दिस ऑयल अवे. तो ये अभी कैस्ट्रॉल डल रहा है एंड दिस आई एम पुटिंग ओनली 1600 ml इंस्टेड ऑफ 1800 ml बिकॉज 200 ml पॉलीट्रॉन डालेंगे. तो ये देख के डाल 200. हाँ 600 किया ना. हाँ बरोबर. ओके सॉरी, वो अपना मेजरिंग जा रही है तो क्योंकि पॉलीट्रॉन ये बहुत महंगा आता है. दिस इज लाइक 3300 फॉर 500 ml. नहीं है उसमें, जितना है उतना डाल दो, चलो फिर खत्म कर दो. नए बॉटल लेने का टाइम आ गया. सो आई हैव टू बाय अ न्यू पॉलीट्रॉन नाउ. आई विल यूज माय ओन कूपन कोड कैस्ट्रॉल प्लस पॉलीट्रॉन बाइक के अंदर. अल्टीमेट JSO MA2 NW50. ऑल वर्क इज डन, मेजर वर्क इज डन. नाउ फाइनल वॉशिंग एंड चेन क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग. तो अभी इज अप्लाइड डीजल राइट नाउ ऑन द चेन एंड क्लीनिंग इट. इसके बाद वॉश करेंगे एंड उसके बाद फाइनली ल्यूब करेंगे. You can see the new oil window, you know, chamber. You can see the oil through here. So new window is also installed and it was a simple installation. Remove the lock and remove the old see-through window and push the new one in, and do this before doing the oil change when there is no oil in the chamber. Chain is also lubed now and bike is all ready to go. सुशांत भाई के पास पुराना बिल निकला. सो आई हैड सर्विस दिस बाइक लास्ट इन 2021 फॉर ऑयल चेंज पार्ट. ओके एंड अगस्त 2021 में चेंज किया था TIL का ऑयल 11,000 something किलोमीटर्स पे एंड इट इज़ 18,039 राइट नाउ. सो 7,000 किलोमीटर्स वो ऑयल चला एंड ऑयल स्टिल वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी या फिर जो स्मूथनेस बोलेंगे आप. बट यू सॉ द कंडीशन ऑफ द ऑयल, हाउ इट केम आउट. सेकेंड ड्रेन किया हमने, जब फ्लश किया तो उसमें कुछ नहीं निकला. बट राइट नाउ व्हेन आई एम राइडिंग द बाइक विथ कैस्ट्रॉल 1600 ml एंड 200 ml ऑफ पॉलीट्रॉन 1800 ml, बाइक इज मक्खन स्मूथ राइट नाउ. आई एम सो हैप्पी. इसलिए मैं अभी वीडियो आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड. मैनी पीपल आर नॉट दैट हैप्पी विथ कैस्ट्रॉल, बट कैस्ट्रॉल के साथ बहुत बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी राइड्स की हैं. इवन दी पोलर ओडिसी और सम अदर ओडिसीज वर डन विद कैस्ट्रॉल. सो आई डू ट्रस्ट कैस्ट्रॉल दैट वे, दो इट डजंट हैव द नेचुरल एडिटिव्स, नॉट नेचुरल बट खुद के एडिटिव्स. उसके लिए हमने पॉलीट्रॉन डाल दिया है अंदर. 200 ml डाला क्योंकि फर्स्ट ऑयल बहुत गंदा निकला एंड आई डेंट वॉन्ट टू चेक एनी चांसेस विद द इंजन फॉर यू नो एनी इंजन डैमेज, रफनेस एंड ऑल दिस स्टफ. So that will help my engine survive a little more. Tappet sound, shim sound जो बोलते हैं, that cannot be suppressed with the help of Polytron because tappet is like, you know, shims is like hitting each other. Polytron only helps reduce frictions like this ones. So that videos you can check on my channel, I leave them in the video description. Polytron purchase link I'll leave it in the video description. Sushant's location I'll leave it in the video description. And if you have any questions, let me know. I know this video was very long, but it was very important one also because things turned out different for me. So thanks for watching. See you in a new video very soon. Like, share, subscribe.